Children, in today's class, I shall start with question number 10 of exercise 13.1. Topic is direct and inverse proportion. So question 10 is, a loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? तो हमें क्या निकालना है? Distance covered in 5 hours. ठीक है? So let us assume, let the distance covered in 5 hours be x. ठीक है, हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 25 minutes is equal to 14 kilometers. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये तो minutes में दिया है और ये hours में दिया है, तो अलग अलग units हैं, तो we have to convert them into same units. तो हम convert कर लेंगे 5 hours को. We know that 1 hour is equal to 60 minutes. ठीक है ना, तो 5 hours will be equal to 5 into 60 minutes, this is equal to 300 minutes. ठीक है, तो हम 5 hours की जगह 300 minutes लिखेंगे, राइट. अब देखो, अब हमें ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का है. अब देखो, अगर 25 मिनट्स में वो 14 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकता है, तो 300 मिनट्स में ज़्यादा ही ट्रैवल करेगा. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 मिनट्स से 300 मिनट्स जैसे ही बढ़े, तो 14 किलोमीटर से यहाँ का डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ जाएगा. इज दिस क्लियर? 25 मिनट्स में अगर 14 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं, तो 300 मिनट्स में हम 14 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. तो इसका मतलब दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन डायरेक्ट वेरिएशन. क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस मेक द टेबल. नीटली बना लेते हैं. तो ठीक है, अब हम इसमें लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड किस में हम ले रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड किलोमीटर्स में ले रहे हैं. ठीक है, एंड टाइम टेकन हम ले रहे हैं किस में, मिनट्स में ले रहे हैं. ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाउ मच, 14 किलोमीटर्स, एंड टाइम टेकन इज 25 मिनट्स. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, टाइम टेकन इज 5 आवर्स. 5 आवर्स मतलब 300 मिनट्स, ये हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ लिखेंगे 300 मिनट्स. एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमको निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना है, हम इसको x2 मानते हैं, यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं, इट इज x2. ठीक, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सिंस द टू क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली, देन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट x1 कितना है यहाँ पे, x1 इज 14, y1 इज
25, x2 हमें निकालना है एंड y2 इज 300, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो 300 है इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो व्हाट वी विल हैव, x2 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज ही रहा 14/25, 300 ऊपर आ गया इंटू 300, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 25 वन्स, दिस इज व्हाट, 25 वन्स 25, 5 रिमाइंडर 0, 25 2 50, ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 14 × 12 कर लो, 12 4 48, कैरी 4, 12 वन्स 12 + 4 16, सो दिस इज 168 किलोमीटर्स हो जाएगा ये। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, ट्रक कैन ट्रैवल 168 किलोमीटर्स इन 300 मिनट्स। इज दिस क्लियर? ओके, सो विद दिस आई वाइंड अप द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल टेक अप अदर टू क्वेश्चंस।